Hello everyone. I hope everyone is doing good. And same here. I'm also doing good. आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ वीडियो के लिए, वो है टीदिंग. टीदिंग कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये एक फेज होता है जब बच्चे के टीथ आने लगते हैं. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 months टिल 3 years ऑफ एज. ओके, सो इस टाइम पे सबसे ज्यादा परेशान तो बच्चा खुद होता है और दूसरी उसकी मदर हो जाती है. सो देखिए क्या क्या सिम्टम होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे के टीथ आ रहे हैं और वो इससे परेशान हो रहे हैं. इट कैन स्टार्ट एज अर्ली एज 3 months. 3 to 4 months पे बच्चा क्रैंकी होने लगता है, बिना बात के इरिटेट रहता है, रोता रहता है और सलाइवा बहुत ज्यादा मुंह से निकलता रहता है, ड्रूल करता रहता है. तो हम लोग बिब यूज करते हैं उस टाइम पे यूजुअली. एंड बच्चा हर चीज मुंह में डालेगा, हर चीज उसको मन करता है कि वो मुंह में च्यू करे. हार्ड चीजें जितने देंगे उसको उतना अच्छा लगेगा उसको चबाने में. वो आपकी फिंगर भी बार बार मुंह में लेगा, अपनी फिंगर्स भी लेगा बार बार. सो दीज आर द सिम्टम्स की टीदिंग हैज स्टार्टेड. लेकिन इस टाइम पे देखिए सबसे ज्यादा हमने क्या ध्यान रखना है कि बच्चा जो भी चीज मुंह में दे रहा है वो इन्फेक्टेड ना हो, कुछ भी बिल्कुल क्लीन चीजें हो. उसके आसपास 2-4 टॉयज आप रखिए, वो भी स्टराइल हो, बॉटल्स हो, पैसिफायर्स हो, जो भी आप यूज कर रहे हैं वो सब कुछ स्टराइल करके एकदम साफ करके उबाल के आप उसको दें. और तब वो बच्चा इन चीजों को यूज करेगा तो उसका टमी अपसेट नहीं होगा. नहीं तो होता क्या है, जो भी कुछ पड़ा मिल गया बच्चे का तो मुंह में डालना है, उसने डाला और उसका पेट खराब हो जाता है, स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है. और लोग फिर इस चीज को रिलेट करते हैं टीबी से, वो फीवर आता है, इन्फेक्शन हो जाता है पेट में. तो लोग सोचते हैं कि ये दांत निकलने से हो रहा है, लेकिन इसका कोई कोरिलेशन नहीं है. लेट मी क्लियर यू दिस कि ये अगर आप आसपास बच्चे की सफाई रखेंगे तो ये कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है. अच्छा, और इस टाइम पे आपने होम रेमेडीज जो करनी है वो मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ. सो स्टार्टिंग विद द रेमेडीज, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपने क्या करना है. बच्चे को एक सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ हो, मसलिन क्लॉथ जिसे हम कहते हैं, उसको थोड़ा सा फ्रीज कर लीजिए फ्रीजर में और अपने फिंगर से उसको ऐसे ऐसे गम्स पे थोड़ा थोड़ा प्रेस करिए. दबाना है हमने मसूड़ों पे, बच्चे को इससे रिलीफ मिलता है थोड़ा पेन में. ठीक है, उसके बाद आप यूज करिए एक मेश फीडर्स आते हैं, ये अमेजोन पे इजीली अवेलेबल हैं और बाकी बच्चों के शॉप्स पे भी बहुत इजीली अवेलेबल होंगे. इनमें आप क्या करते हैं कि हम कुछ भी जो अपने फ्रोजन फ्रूट हो गया, कोई भी वेजिटेबल हो गई है, कुकुम्बर, कैरेट्स, इनकी स्टिक्स वगैरह कुछ भी थोड़ा सा फ्रीज करके ठंडा करके आप इस मेश फीडर में डाल दीजिए और ये बच्चे को दे दीजिए. वो उसको चूसता रहता है तो एटलीस्ट फ्रूट का या वेजिटेबल का जो है पल्प उसके अंदर जाता रहता है और बच्चे को चबाने में रिलीफ मिलता रहता है. ओके, सो यू कैन यूज मेश फीडर्स. सेकेंड इज सिलिकोन टिप ग्लव्स आते हैं, बच्चे के हैंड में ही वो पहना देंगे तो आप तो वो ग्लव्स को भी बाइट करता रहेगा सिलिकोन के, तो उसको रिलीफ मिलता रहता है गम्स को और वो मसाज भी होता रहता है गम्स. थर्ड इज आप खुद मदर बाहर से बच्चे के ऐसे ऐसे बोन्स पे नीचे के ऊपर के इनको आप मालिश करिए थोड़ा सा आलमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल वगैरह लेके, और अंदर से आप हैंड्स वॉश करके क्लीन फिंगर्स से थोड़ी थोड़ी मालिश करिए. एक इस मालिश के लिए वनीला एक्सट्रैक्ट भी कहा जाता है कि बहुत अच्छा होता है. वनीला एक्सट्रैक्ट की एक ड्रॉप लेके आप थोड़ा थोड़ा उसको गम्स पे प्रेस करिए, बच्चे को रिलीफ मिलता है. देन चिल्ड स्पून्स यू कैन यूज, अपने 2-3 स्पून्स बच्चे की छोटी स्टील की वो आप फ्रीजर में या फ्रिज में थोड़ी सी ठंडी करके और फिर बच्चे को दे दीजिए. वो अपने आप उन पे च्यू करेगा और उसे बहुत रिलीफ मिलेगा ऐसी ठंडी स्पून से. देन नेक्स्ट इज जो बच्चे की फीडिंग बॉटल है आपकी, अगर आप बॉटल यूज कर रहे हैं या पैसिफायर यूज कर रहे हैं, इन चीजों को भी आप स्टेराइल करके एकदम उबाल के क्लीन करके उसके बाद उसको फ्रिज में या फ्रीजर में थोड़ा सा फ्रीज करके फिर बच्चे को दीजिए. वो उस पर च्यू करेगा तो उसको रिलीफ मिलेगा. देन एक आप डू इट योरसेल्फ टीदिंग रिंग्स घर में भी बना सकते हैं. जो वुडन आपके पास कुछ रिंग्स हो उनको लेके मैं एक पिक्चर अटैच कर रही हूँ. आप कुछ इस तरह की टीदिंग रिंग्स भी बच्चे को खुद बना के दे सकते हैं जो कि नुकसान नहीं करें उसको. देन पॉप्सिकल्स, आई थिंक बहुत छोटे बच्चों में आप ये नहीं दे पाएंगे, लेकिन इवन इफ यू ट्राई गिविंग इन अ मेश फीडर थोड़ा थोड़ा सा डाल दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, बिकॉज इतना ठंडा तो बच्चे टॉलरेट नहीं कर पाते एकदम फ्रीजर की चीज.
थोड़ा सा ठंडा उसको पॉप्सिकल्स जैसे जूसेस हो गए अपने फ्रेश जूसेस उनको थोड़ा सा फ्रीज कर दिया, एक क्यूब बना दी आइस ट्रे में डाल के और उसको आप फीडर में डाल दीजिए, मैश फीडर में, एंड उसको थोड़ा थोड़ा च्यू करने दीजिए उसको, तो जूस भी अंदर जाता रहेगा, थोड़ा सा बच्चे को रिलीफ मिलता रहेगा। उसके बाद आप ये जो अपनी कॉलिकेड करके जो हमारी मेडिसिन आती है, अगर बच्चा ज्यादा परेशान हो रहा है, रो रहा है, तो कॉलिकेड जो है एक इनो की तरह इफेक्ट देती है, जैसे हम लोग इनो लेते हैं बड़े, तो बच्चों में कॉलिकेड जो है इनो के जैसा इफेक्ट करती है, उसके जो पेट में ट्रबल हो रहा होगा वो थोड़ा ठीक कर देता है। और लास्ट में मैं बताना चाहूंगी कि ये जो हम अल्सर्स के लिए मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं माउथ में, ये बच्चों में यूज ना करें प्लीज। ये होती है बेंजोकेन, इसमें जो ड्रग होता है वो बच्चों में एक अलग तरह का अनीमिया बना देता है, उसको मिथहेमोग्लोबिनीमिया बोलते हैं। सो प्लीज ट्राई अवॉइड यूजिंग दीज बेंजोकेन मेडिसिन इन इन्फेंट्स, ओके। एंड बाकी होम्योपैथिक दवाइयाँ कुछ लोग यूज करते हैं, रिलीफ मिलता है शायद बच्चों को या नहीं, इट इज नॉट FDA अप्रूव्ड, ओके। सो ये आपके अपने फेथ के ऊपर है, कुछ लोग ग्राइप वाटर भी देते हैं इस टाइम पे बच्चे को, तो ऑल दीज थिंग्स आप अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और बाकी ऐसा कोई इश्यू रिलेटेड टू स्टमक टीदिंग से नहीं होता है, राइट। सो होप इट हेल्प्स, कीप शेयरिंग, कीप इंस्पायरिंग एंड टेक केयर ऑफ योर टॉडलर्स। थैंक यू।